नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे टॉप 25 खबरों का। आज गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, वहीं विद्युत क्षेत्र की पुनर्निर्मित वितरण योजना का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में फाइनेंशियल एक्सक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट का विमोचन किया। इस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर भी मौजूद रहे। एमपी में 51 जिलों के पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा। अब तक 41 जिलों में अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा है। इस दौरान सीएम शिवराज ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर बयान दिया। सीएम ने कहा कि बीजेपी को जनता का प्यार मिल रहा है, तो वहीं सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस बौखला गई है। जबलपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद बीजेपी का कब्जा। लाख कोशिशों के बावजूद अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई कांग्रेस। वोटिंग के दौरान दो सदस्यों का वोट निरस्त। वहीं भोपाल में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मिली सफलता से बीजेपी में खुशी का माहौल है। इसी खुशी के माहौल में सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। इस दौरान कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज प्रोफेशनल कांग्रेस के कॉन्क्लेव में करेंगे शिरकत। दोपहर 12 बजे राजीव भवन में स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक में लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। शिविर में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्र मंत्री भी करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्रा पर सियासत हुई शुरू। 9 से 15 अगस्त तक बीजेपी निकाल रही है हर घर तिरंगा यात्रा। कांग्रेस भी निकालने जा रही है पदयात्रा। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेने का फैसला किया। पुराना नीति को फिर से बहाल करने के निर्देश दिए। मौजूदा आबकारी नीति 31 जुलाई को खत्म हो रही थी। नई आबकारी नीति का बीजेपी और कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। शुक्रवार देर रात नई आबकारी नीति लागू होने से 6 महीने की अवधि के लिए आबकारी नीति को पुरानी व्यवस्था से फिर से लागू करने के निर्देश दिए गए। पुरानी आबकारी नीति 1 अगस्त से लागू होने जा रही है। 6 महीने में फिर से नई आबकारी नीति लाई जाएगी। बता दें कि 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू हुई थी। इसके तहत 272 वार्ड में 885 दुकान खोलने का लक्ष्य था। वहीं इस नीति में बीजेपी, कांग्रेस और जनता लगातार विरोध कर रही थी। इसके अलावा अनियमितता की शिकायत के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बीते दिनों दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति जांच की सिफारिश सीबीआई को सौंप दी थी। देश में कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और अन्य राज्यों में भी भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 3 अगस्त तक लगातार बारिश की उम्मीद है। आज पटना, पश्चिम बंगाल और पूर्वी चंपारण, सिवान और गोपालगंज, सीमागढ़, बवनी और मुजफ्फरनगर, दरभंगा, वैशाली में अच्छी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं बिहार के बाकी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश के अनुमान है। हालांकि झारखंड में भी कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है।
राजस्थान में बारिश का दौर जारी। बीते 24 घंटे में राज्य के कई जगह वर्षा हुई। जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज हुई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल की राजनीति, कोलकाता समेत कुछ इलाके, मराठवाड़ा और गुजरात के एक या दो स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हुई। इसके अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश हुई और कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। निजी मौसम एजेंसी स्काई मेट के मुताबिक शनिवार को जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र व कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल के सोलन में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला। कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मरीज फिलहाल आइसोलेशन में।